बार की बात है, एक गांव में रवि नाम का आदमी रहता था। रवि सब्जी लगाने का काम करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अच्छा नहीं कमा पाता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन रवि काम से लौटता है, घर पर उसकी पत्नी गंगू उसका इंतजार कर रही थी। आज तो बहुत देर हो गई जी, कहाँ रह गए थे, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू में घूमता रहता हूँ? अरे काम पर गया था, लेट हो गया, जब देखो जासूसी करती रहती हो मेरी। रवि की बात सुनकर गंगू कहती है, अरे आप तो फिजूल में गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी। तभी रवि के बच्चे पिंकी और राहुल वहाँ आ जाते हैं और रवि से बोलते हैं, पापा कल हमारा स्कूल पिकनिक पर ले जा रहा है, मैं भी जाऊँ क्या? कहीं नहीं जाना है पिंकी, चुपचाप घर पर बैठो और पढ़ाई करो, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है। पापा आपके पास तो कभी पैसे नहीं रहते, एक छोटी सी फरमाइश की है हमने, आप वो भी पूरा नहीं कर सकते? राहुल की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो रवि को जोर से थप्पड़ मार देता है। ये देख गंगू भी गुस्से में आ जाती है और रवि को धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अगर तुम अच्छा नहीं कमा पाते हो तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? अगर दोबारा मेरे बच्चों पर हाथ उठाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगू की बात सुनते ही रवि आग बबूला हो जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन रवि गुस्से में गंगू को कुछ ज्यादा ही मार देता है, जिसकी वजह से गंगू बेहोश हो जाती है और मर जाती है। ये देख राहुल बोलता है, बस करे पापा, मम्मी बेहोश हो गई है, हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आप मम्मी को छोड़ दो। राहुल और पिंकी की बात सुनकर रवि रुक जाता है और नीचे गिरी गंगू के पास जाता है और उसे देखता है, लेकिन गंगू मर चुकी होती है। ये देख रवि डर जाता है। ये गंगू तो मर गई, मैं क्या करूं? पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं? अपनी मरी हुई माँ को देखकर राहुल और पिंकी गुस्से में आ जाते हैं। पिताजी आपने ये सही नहीं किया, आपने माँ की जान ले ली, हम अभी पुलिस को बुलाकर आपको पकड़वाते हैं। राहुल की बात सुनकर रवि और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। राहुल और पिंकी अपनी माँ गंगू के पास खड़े रोते रहते हैं। गांव वालों को राहुल और पिंकी कुछ नहीं बताते और गांव वाले गंगू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन रात में, राहुल भैया मुझे अकेले घर में बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। पिंकी की बात सुनकर राहुल बोलता है, पिंकी डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रुको मैं आता हूँ। राहुल खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस आ जाता है। लगता है पिंकी हमें आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा, मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला और घर पर भी कुछ नहीं है। राहुल की बात सुनकर पिंकी बोलती है, तुम चिंता मत करो भैया, मुझे अब भूख नहीं लगी है। फिर राहुल और पिंकी सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। रात में घर पर जोरों से दस्तक होती है, राहुल और पिंकी नींद से उठ जाते हैं। फिर राहुल जाकर दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर गंगू की आत्मा खड़ी होती है। गंगू की आत्मा को देख राहुल खुश हो जाता है। गंगू की आत्मा घर के अंदर आ जाती है, पिंकी भी अपनी माँ की आत्मा को देख कर खुश हो जाती है और गंगू की आत्मा से लिपट जाती है। गंगू की आत्मा भी अपने बच्चों को देख कर रोने लगती है और बोलती है, सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाई और देखो भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया है तुम्हारे पास। फिर गंगू अपने पास से राहुल और पिंकी को रोटी देती है, दोनों भरपेट खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह गंगू राहुल और पिंकी को लेकर दूसरे गांव में चली जाती है और रूप बदल कर अंडे की रेड़ी लगाने लगती है। मैं उस गाँव से तो बाहर आ गई हूँ भगवान, ताकि मुझे कोई पहचान न सके, हे भगवान मेरी मदद करना ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से रख पाऊँ। फिर गंगू रोज अंडे की रेड़ी लगाती और अंडे और ऑमलेट बना बना कर बेचती। उसके ऑमलेट और अंडे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। गंगू बहन तुम जो ऑमलेट बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैंने उतना बढ़िया ऑमलेट कभी नहीं खाया। हाँ। गांव वाले की बात सुनकर गंगू की आत्मा बोलती है, सही में भैया
लेकिन मेरे पति को तो मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। अच्छा बहन, माफ करना, आपके पति को फिर कुछ नहीं आता जाता, उसे नहीं पता स्वाद का। हाँ। जैसे जैसे समय बीतने लगा, गंगू की कमाई बढ़ने लगी और राहुल और पिंकी भी खूब खुश रहने लगे। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ज्यादा दिन खुश होना नहीं लिखा था। गंगू से जलने वाले भी बहुत हो गए थे। एक दिन राणा नाम का दूसरा रेड़ी वाला अपने दोस्त काला से बोलता है, जब से ये गंगू यहाँ रेड़ी लगाने लगी है तब से हमारी बिक्री बंद हो गई है। पता नहीं मनहूस औरत लोगों पर क्या जादू करती है। मन तो करता है इसका गला दबा दूं। सही कह रहे हो भैया, चाहता तो मैं भी यही हूँ। जब से आई है हमारी तो कमाई ही बंद करवा दी। फिर काला और राणा गंगू को मारने का प्लान बनाते हैं और एक आदमी को गंगू को मारने के लिए बुलाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रवि होता है, जो कि एक गुंडा बन चुका होता है। तुम दोनों चिंता मत करो, उस अंडे वाली की मैं भुर्जी बना दूंगा भुर्जी। बस तुम दोनों बताओ कि वो कहाँ मिलेगी। फिर रवि काला और राणा की बताई जगह पर गंगू की रेड़ी के पास पहुँच जाता है और गंगू को पीछे खड़े होकर बोलता है, तूने मेरे दोस्तों का काम चौपट कर रखा है। आज तेरा आखिरी दिन है, आज के बाद तू कोई भी रेडी नहीं लगा पाएगी। रवि की बात सुनकर गंगू की आत्मा पलटती है। रवि गंगू को देखकर हैरान रह जाता है और डरते हुए बोलता है, गंगू तू 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 जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुझे अपने हाथों से मारा था। रवि की बात सुनकर गंगू हंसने लगती है और बोलती है, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, इसलिए शायद भगवान ने मुझे वापस भेजा है और मैं गंगू नहीं उसकी आत्मा हूँ, समझा? तभी गंगू अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और रवि को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। रवि दर्द और दम घुटने की वजह से तड़पने लगता है। छोड़ दे मुझे गंगू, जाने दे, माफ कर दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दे। तभी वहाँ पिंकी और राहुल भी आ जाते हैं। रवि की ऐसी हालत देखकर राहुल और पिंकी गंगू के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ आप पिताजी को मत मारो, इनके खून से अपने हाथ मत रंगो, हम दोनों यही चाहते हैं। पिंकी और राहुल की बात सुनकर गंगू रवि को दूर फेंक देती है और बोलती है, देखा दुष्ट, तेरे इतना बुरा करने पर भी मेरे दोनों बच्चे तेरी जान बचाना चाहते हैं, जा यहाँ से चला जा। लेकिन तभी वहाँ काला और राणा आ जाते हैं और पिंकी और राहुल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बहुत हुआ तुम दोनों का मिलन। गंगू तूने हमारे काम धंधे में बहुत नुकसान किया है, आज उसका बदला लेंगे हम दोनों। ऐसा कहकर राणा और काला अपने एक हाथ में चाकू निकाल लेते हैं और राहुल और पिंकी की गर्दन पर रख देते हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़ा रवि उन दोनों को जोर से धक्का देता है। राणा और काला गिर जाते हैं, जिसकी वजह से राहुल और पिंकी आजाद हो जाते हैं। ये तूने क्या किया रवि, अब इनसे पहले तेरा नंबर आएगा। ऐसा कहकर राणा और काला रवि को चाकू मार देते हैं। रवि घायल होकर गिर जाता है। गंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से काला और राणा दोनों मर जाते हैं। गंगू रवि के पास जाती है और बोलती है, आज तुमने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे सारे पुराने पाप माफ करती हूँ। गंगू की बात सुनकर रवि रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो गंगू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। रवि की बात सुनकर गंगू बोलती है, तुम्हें मैं माफी तभी दूंगी जब तुम अपने बच्चों को संभालोगे और उनका ख्याल रखोगे। मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम बहुत पैसा छोड़ा है और अब ये अंडे की रेड़ी तुम संभालो। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा गंगू, और आगे से पैसों के पीछे भी नहीं भागूंगा, मेहनत करूंगा। हाँ, मेहनत। फिर गंगू की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है।